अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जमात हश्तुम, मज़मून ज़बानदानी। आज इस मज़मून में बच्चों हम गज़ल नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसके शायर है नातिक लाहौटी। प्यारे बच्चों, इससे पहले जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, उस वीडियो में इस गज़ल को बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया था। हर शेर को पढ़ते हुए उसके मानी की तशरीह की गई थी, वजाहत की गई थी। अब इस वीडियो में मैं आपको मानी इशारात और एक जुमले के जवाब बताऊंगी। तो पहले देखते हैं नासे है। नासे का मतलब होता है नसीहत करने वाला, यानी जैसे आपके उस्ताद हैं, आपके बुज़ुर्ग हैं, आपके घर के जो बड़े हैं, जो आपको नसीहत करते हैं, समझाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, बुरे कामों से टोकते हैं, बुरे कामों के अंजाम से आपको वाकफियत करवाते हैं, तो वो जो है आपको वो क्या हो गए, नासे हो गए, है ना, नसीहत करने वाला। फिर है रह गई, मतलब बेकार हो गई। हाल ज़ार मतलब बुरी हालत। जब कुछ तूफान आता है तो लोगों के हाल ज़ार जो है वो बहुत ख़राब हो जाते हैं, या जैसे अभी जो है COVID-19 का जो दौर चला, तो इसमें तमाम लोग जो है, पूरी आवाम जो है, वो हाल ज़ार वो उनकी हालत हो गई थी। जैसे आईने वफा मतलब मोहब्बत का कानून। ये शहरियत में आपने ये लफ्ज़ पढ़ा होगा, आयन। आयन का मतलब होता है कानून और वफा का मतलब होता है वफादारी, तो मोहब्बत का कानून को आईने वफा कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आपको यहाँ पे जान पहचान की मदद से ये खाका, शबी की खाका मुकम्मल करना है। तो नातिक लाहौटी के का उनका नाम जो है, असल नाम जो है वो सैयद अबुल हसन था। उनकी पैदाइश 1888 में हुई थी। उनका वतन कामटी, ज़िला नागपुर था। आला तालीम उन्होंने हासिल की थी दारुल उलूम देवबंद से। इस्लाह उन्होंने जो है वो बयान मेरठी दाग दहलवी की थी, और नसरी तसनीफ में उनका सबा सैयारा यह है। उसके बाद यहाँ पर एक जुमले के जवाबात हैं, तो एक जुमले के जवाबात यहाँ जगह नहीं होने की वजह से मैंने अपनी कॉपी में लिखा है, तो हम देखते हैं कि क्या है। पहला सवाल है, शायर इस्तराब व शौक से कब परेशान हुआ? तो इसका जवाब है बच्चों कि महबूब ने जब शायर को अपनी महफिल से उठा दिया। यहाँ जैसे आपने इस गज़ल की जो तशरीह सुनी होगी, वजाहत सुनी होगी, तो उसमें शायर जो है वो अपने महबूब की जो है के बारे में बता रहा है और उसकी शिकायत कर रहा है। तो शायर कहता है कि जब उसके महबूब ने, जिसको वो पसंद करता है, जिसको वो चाहता है, उसने जब उसे अपनी महफिल से ही उठा दिया, तो शायर जो है वो इस्तराब व शौक से परेशान हो गया। इलाज करने, दूसरा सवाल है, इलाज करने वालों की कोशिशें कैसे ज़ाय हो गईं? दूसरा जवाब है, दर्द इस शिद्दत से उठा, जब शायर के महबूब ने उसको अपनी महफिल से उठा दिया, तो शायर का दिल जो है वो इस का दिल में जो दर्द इस शिद्दत से उठा कि वो अपना दिल पकड़ कर बैठ गया, और ऐसे हाल हो गए कि उस वक्त जब जो इलाज करने वाले थे उनकी कोशिशें भी ज़ाय होने लगी। तीसरा है सवाल, शायर के लिए कौन सा काम लाजमी हो गया? शायर के लिए आईने वफा कायम करना, मतलब मोहब्बत का कानून कायम करना, उसके लिए क्या हो गया, लाजमी हो गया। चौथा सवाल है, शायर को कौन ढूंढता है? उसका जवाब यह है कि शायर को इस्तराब और शौक, इस्तराब का मतलब होता है बेचैनी, वो शौक की दुनिया ढूंढती है। उसके बाद पांचवा सवाल है, शायर ने दर्द का इजहार किस तरह किया है? तो शायर ने अपने दर्द का इजहार करते हुए ये कहा है कि उसका दर्द इस अंदाज में उठा कि वो दिल पकड़ कर या दिल लेकर बैठ गया। छठा सवाल है, शायर को अपना नाम क्यों याद नहीं रहा? तो शायर अपनी महबूब की याद में ऐसा खोया कि उसे अपना नाम तक याद नहीं रहा। तो प्यारे बच्चों, ये आपको सवाल जवाब अल्फाज मानी और जान पहचान का शब्द खाका लिखना है, और उसके बाद जो एक्टिविटी है, अशार की तशरीह है, और जो दूसरी और सरगर्मियां हैं, इबारत आमोजी है, इंशाल्लाह जब हम जूम पे मिलेंगे, लेसन लूँगी, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें करवाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।